तो फरीदाबाद पहुंचे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज अजय कुमार मित्तल ने बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर जल्द सुधार करने के आदेश भी दिए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अजय कुमार मित्तल ने कहा कि कुछ दिन पहले भी वो बाल सुधार गृह का निरीक्षण करने आए थे, इस बार काफी सुधार हुआ है, नए बाल सुधार गृह का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। वहीं फरीदाबाद कोर्ट में होने वाली पार्किंग की असुविधा पर कहा कि मल्टी लेवल पार्किंग की कागजी कार्रवाई चल रही है, जल्द लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। बेसिकली तो पहले तो हम गए थे जी ऑब्जर्वेशन होम, यहाँ पे देखने गए थे जो पुराना वाला ऑब्जर्वेशन होम में है, क्योंकि उसकी अब आज के दिन क्या स्थिति चल रही है, तो वहाँ पे देखा कि रेनोवेशन हो रही है किचन वगैरह की, जो कि पिछली दफ़ा जो आया था मैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा ठीक कंडीशन में नहीं था, और कहा गया कि तो मुझे श्योर भी किया गया कि एक महीने में नया ठीक हो जाएगा, रेनोवेट हो जाएगा, और बाकी जो है अब वहाँ पे पहले से इम्प्रूवमेंट दिखी है, और बाकी अब नया जो ऑब्जर्वेशन होम है उसमें भी वहाँ पे नए प्लॉट की जगह जाके भी देखा, वहाँ पे अब जो है वहाँ पे भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। थोड़ा तोड़ने का तो डिमोलिशन का तो चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि जी काफ़ी बिल्डिंग कमेटी वगैरह से सब जगह से क्लियर होकर चले गए हैं और जल्दी ही वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा।